हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि पास्ट को फाइंड करने में डेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसका किस तरह से पीरियडाइजेशन किया गया है। चैप्टर फर्स्ट, कम टू द पेज नंबर 3। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? क्या हमने कभी फोकस किया कि जो भी इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में जो एक्टिविटी होती थी वह उसी फॉर्मेट में जो कि गवर्नर जनरल की हिस्ट्री होती थी उसी में होती थी। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। जब हम कोई हिस्ट्री या स्टोरी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाई डू वी सो दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेंस। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हर एक चैप्टर को एक पहचान मिल सके। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि किया जाता है क्योंकि कोई भी स्टोरी में जो सेंस है उसे लिया जा सके और उस सेंस को फॉलो किया जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इस प्रोसेस में हम उन इवेंट्स या पर फोकस करते हैं जो कि जहाँ पे स्टोरी जो बताई जा रही है उसके ऊपर हमें फोकस करना होता है जिससे कि उस स्टोरी को एक शेप मिल सके। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की लाइफ के अराउंड जो भी हिस्ट्री लिखी गई है, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। उसमें इंडियंस की जो एक्टिविटीज है वह फिट नहीं होती है क्योंकि उनमें जो इंडियंस की डिटेल है उस हिस्ट्री में नहीं दी गई है। दे हैव टू बी स्पेस, दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वॉट देन वी डू, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री। इसके लिए हमें हिस्ट्री का अलग से फॉर्मेट लेना होता है। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मीनिंग है कि न्यू डेट्स के चेंज होने के कारण जो ओल्ड डेट्स थी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। न्यू डेट्स का जो सेट आ जाता है वह हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ डू वी पीरियडाइज इन 1817 जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3-वॉल्यूम वर्क 1817 में जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे उन्होंने 3-वॉल्यूम्स वर्क की एक बुक को पब्लिश किया था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स। इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है हिंदू मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इस पीरियडाइजेशन को सभी जगह एक्सेप्ट किया गया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप सोचते हैं कि इसमें किसी को कोई इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियडाइजेशन को लेकर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम ये क्यों करना चाहते हैं कि हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें? सो वी डू सो
इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कैप्चर कर पाएं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, इसके जो भी सेंट्रल फीचर्स हमारे सामने आते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पॉर्टेंट। दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इसी कारण जब हम डिफरेंट पीरियड्स को डिवाइड करते हैं तब इन पीरियड्स के बीच जो डिफरेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हम पास्ट के हमारे आइडियाज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कौन कौन से चेंज हुए हैं उनका भी हमें मालूम चलता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल ये सोचते थे कि जितने भी एशियन जो सोसाइटीज़ हैं सिविलाइजेशन को देखते हुए यूरोप के कंपैरिजन में उनका लोअर लेवल है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जब वे हिस्ट्री बताते हैं, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब हिंदू और मुस्लिम्स ने कंट्री पर रूल करते थे। हिंदू एंड मुस्लिम्स डेस्पॉट्स रूल द कंट्री। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। धर्म के नाम पर और कास्ट को लेकर और अंधविश्वास जो है उनकी प्रैक्टिस की जाती थी, जो कि एक सोशल लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करती थी, काफ़ी प्रभावित करती थी और हावी हो रही थी। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिश रूल में जेम्स मिल ने फील किया कि इंडिया को अब सिविलाइज करना ज़रूरी हो गया है, अब उसका विकास हो पाएगा। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। इसके लिए यूरोपियन जो मैनर्स हैं उन्हें आर्ट्स को जो कला है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लॉज हैं उन्हें इंडिया में लाना होगा। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल्स का मानना था कि ब्रिटिशर्स को इंडियन टेरिटरी पर पूरे जितने भी इंडियन टेरिटरी हैं उन्हें कॉन्कर कर लेना चाहिए, उन पर उन्हें अपने अधिकार में ले लेना चाहिए, जीत लेना चाहिए, तभी उनमें डेवलपमेंट और हैप्पीनेस हो सकती है। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और जो इंडिया है ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस के लिए कैपेबल नहीं है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे। इंडिया प्रोग्रेस के लिए कैपेबल नहीं है, ब्रिटिशर्स जो ये मानते थे, जेम्स मिल ये मानते थे इंडिया में, इन दिस इंडिया ब्रिटिश रूल ने सारी जो फोर्स ब्रिटिश रूल इंडिया रूल ने सारी जो फोर्सेस थी प्रोग्रेस की हो या सिविलाइजेशन की हो सभी लगा दी थी। ब्रिटिश रूल से पहले का जो पीरियड था वह डार्कनेस का था, वह काफ़ी अंधेरे का था। ये कॉन्सेप्ट कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में प्रोग्रेस नहीं होती थी, क्या हम इस कॉन्सेप्ट को मान सकते हैं? आगे हम इसे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।